आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे कैसे लगती है हमारी खबरें, कैसे लगते हैं हमारे वीडियोस, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी बताइए। और आज भी आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रोजाना आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों वीवो से। भाई वीवो की जो X200 सीरीज है, जो कि कंफर्म हो चुकी है कि 19 नवंबर को रिलीज होने वाली है, ग्लोबली लॉन्च होगी। वैसे ये जो सीरीज आएगी जिसमें हमें वीवो X200 एंड वीवो X200 प्रो, ये दो ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो वीवो X200 प्रो मिनी है ये हमें बाद में देखने को मिल सकता है। वैसे देखते हैं कि भाई वीवो की जो X200 सीरीज है जिसे भारत में किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है। LG की बात करते हैं दोस्तों, भाई LG ने अपने कुछ नए 3 स्पीकर्स को लॉन्च कर दिया है भारत में, जहां पर LG X-Boom Go है, LG X-Boom 360 है और LG X-Boom Pad स्पीकर भी है। वैसे हमने इसकी प्राइस भी आपको शेयर कर दी, आप खुद से देख लीजिए। वैसे आपको इनमें से कौन सा स्पीकर पसंद आया कमेंट में जरूर से बताइए। नुबिया की बात करें दोस्तों, नुबिया रेड मैजिक 10 प्रो प्लस, ये जो स्मार्टफोन है जिसका एंटीडो स्कोर निकल कर बाहर आ चुका है, पता है कितना आया हुआ है भाई? 31,02,960। जी हाँ भाई, क्रेजी स्कोर है, यानी कि परफॉर्मेंस काफी दमदार होगा इस स्मार्टफोन का। पर खैर, बात तो ये है कि भाई इनके जो प्रोडक्ट्स है जिसे भारत में लॉन्च किया नहीं जाता। वैसे आप क्या चाहते हो दोस्तों कि भाई इनके प्रोडक्ट्स हमें भारत में भी देखने को मिले, क्या सोचे कमेंट में बताइए। सैमसंग की बात करें दोस्तों, भी सैमसंग काफी कबार अपने स्मार्टफोन पर फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर लेकर आता है, जहां पर भी अगर ऑनलाइन उनके सर्विस सेंटर पर बात की जाती है, चैट किया जाता है, तो बताते हैं कि आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगा। पर मोस्टली जब आप सर्विस सेंटर जाते हो तो वहां पर आपको डिनाई कर दिया जाता है। जी हाँ, तो ये काफी बड़ी बात है, जहां पर एक ब्रांड प्रॉमिस कर रहा है और वही प्रॉमिस को खुद से फुलफिल नहीं कर रहा है। वैसे आपके साथ भी क्या कोई इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ है कमेंट में जरूर से बताइए। दोस्तों, वाईफाई 7 तो हमने देख लिया, अब नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई 8 की बात होना शुरू हो चुकी है, जो कि हमें कहा जा रहा है 2028 में देखने को मिलेगा, यानी कि अभी भी काफी लंबा वक्त है। वैसे दोस्तों, इस बार जो वाईफाई 8 आएगा जिसमें जो स्पेशली फोकस होने वाला है वो होगा स्पीड की स्टेबिलिटी को लेकर एंड रिलायबिलिटी को लेकर। जी हाँ, अब देखते हैं भाई वाईफाई 8 से रिलेटेड क्या कुछ और खबरें निकल कर सामने बाहर आती है। आइको की बात करते हैं दोस्तों, भाई आइको की जो न्यू 10 सीरीज है जिसकी फाइनली लॉन्चिंग डेट कन्फर्म हो चुकी है। भाई आइको की न्यू 10 सीरीज 29 नवंबर को लॉन्च होने वाली है चाइना में। जी हाँ, वैसे दोस्तों आइको न्यू 10 प्रो ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक डेडिकेटेड चिप भी देखने को मिलने वाली है, Q2 सुपर कंप्यूटिंग चिप। जी हाँ, और इसी के साथ ये स्मार्टफोन में प्लास्टिक फ्रेम का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 7.99 mm की थिकनेस पर स्मार्टफोन होने वाला है, 199 ग्राम का वेट भी होगा। अब देखते हैं दोस्तों आइको न्यू 10 सीरीज की क्या प्राइस सेट करता है आइको चाइना के लिए। लेट्स सी। वीवो की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, भाई वीवो ने अपनी S20 सीरीज को टीस्ट करना शुरू कर दिया है चाइना में। वैसे ये जो सीरीज आएगी जिसमें हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, वीवो S20, वीवो S20 प्रो। अब देखते हैं दोस्तों वीवो S20 सीरीज में हमें क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। Redmi की बात करते हैं दोस्तों, Redmi की K80 सीरीज हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, लॉन्चिंग से पहले ब्रांड ने कंफर्म कर दिया है कि भाई ये जो सीरीज आएगी जिसमें हमें 2K रेजोल्यूशन के साथ आने वाली 120 हर्ट्ज की TCL की OLED पैनल देखने को मिलेगी, डिस्प्ले पैनल। अब देखते हैं दोस्तों Redmi K80 सीरीज में हमें क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। काम के दिल की बात करें, अगर आपको चाहिए वायर्ड ईयरफोन, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड की, ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों, Zebronics के और सामने Zebro वायर्ड ईयरफोन अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रही है। वैसे इसी के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो हमें 10 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे, इनलाइन माइक मिल जाएगा बातचीत वगैरह करने के लिए, मल्टीफंक्शनल रिमोट कंट्रोल भी मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी होने वाला है, और ये जो ईयरफोन है वो मोस्टली आपके हर एक डिवाइसेस के लिए काम में आ जाएगी। वैसे 6 मंथ की वारंटी भी देखने को मिलेगी, और क्या चाहिए। और इसी की अगर कीमत की बात करें तो अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रही है सिर्फ 166 रुपीज में। भी काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
गेमिंग की बात करें दोस्तों भाई, मार्वल राइवल्स ये जो अपकमिंग टाइटल है जो कि हमें 6 दिसंबर को देखने को मिलेगा और ये गेम अनरियल एंजिन 5 पर बनी हुई है दोस्तों। वैसे ये गेम हमें प्लेस्टेशन 5, एक्सबॉक्स सीरीज एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर देखने को मिलेगी और ये एक फाइटिंग गेम होने वाली, शूटर गेम होने वाली है। अगर आपको भी इस टाइप की गेम खेलने का मजा आता है तो ये गेम आपके लिए काफी बेहतरीन होगी। वैसे आप हमें ये बताइए भाई, आपकी सबसे पसंदीदा फाइटिंग गेम कौन सी है, चाहे पीसी पे, चाहे कंसोल पे, चाहे स्मार्टफोन पे, जो भी गेम आपको पसंद कमेंट में बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।